नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना दल बदलेंगे, यानी कि फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन इन सभी मुद्दों पर एक बार फिर से जदयू के एक नेता उनके सबसे करीबी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव में और भी जो हम लोग हैं मिलकर विपक्ष को हराने का काम करेंगे। ऐसे में आपको बताते चले कि नीतीश कुमार का जो बिहार में नीतीश कुमार फिर से खेला करने का इंतजार कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को जदयू की तरफ से साफ संदेश कुछ इस तरीके से दे दिया गया है। दरअसल केंद्र का बजट आने के पहले और आने के बाद भी बिहार की चर्चा आम रही। क्या बजट में बिहार को प्राथमिकता मिली और जदयू उससे संतुष्ट है? क्या अपने राज्य में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहेंगे? ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर एनडीए सरकार में सहयोगी जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा से बात की नरेंद्र नाथ ने। उन्होंने बजट में बिहार को मिले तोहफे से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर सवाल पूछ दिया। अपने जवाब से संजय झा ने बिहार के राजनीति माहौल में अचानक से छाई धुंध को एक झटके में साफ कर दिया। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस बजट में बिहार जैसे विकास के आकांक्षी राज्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के अलावा सड़क परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन परियोजना, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, पर्यटन स्थलों और खेल कूद के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे बिहार को विकसित राज्य बनाने की नीतीश सरकार के प्रयास कोई नहीं गति मिलेगी। जदयू पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। हमारा प्री पोल अलायंस था। लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी एनडीए का सर्वमान्य चेहरा थे। जहां तक समर्थन के बदले सौगात मिलने की बात है तो यह विपक्ष का फैलाया हुआ सिगुफा है। यूपीए की केंद्र सरकार ने बजट में बिहार की हमेशा उपेक्षा थी कि बिहार को साजिश के तहत लेबर स्लेवरी करने वाला बीमार राज्य बना दिया गया था। हमें विश्वास है कि अब केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने से बिहार अगले 5 वर्षों में विकसित बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। आपको बताते चले कि बिहार के विकास की राह में एक बड़ी बाधा नेपाल से आने वाली नदियों की भी है। देश में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को 17.2 बिहार में है। ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार की हम बात करें तो नीतीश कुमार की पाला बदलने को लेकर बिहार में चर्चा तेज हो गया था। बता दें कि कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा दिए गए बयान से ये चर्चा तेज हो गया था कि नीतीश कुमार क्या पाला फिर से बदलेंगे। लेकिन इन सभी मुद्दों पर जो है जदयू के उनके सबसे नीतीश कुमार के करीबी नेता ने संजय झा ने जो है विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। जो भी महागठबंधन को ऐसा लगता है तो वो उन्हें निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार अब ऐसा कुछ करने वाले में से नहीं है। नीतीश कुमार अपने गठबंधन के साथ मिलजुल कर ही 2025 विधानसभा चुनाव में विपक्ष को हराने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।